तस माने उस संयम का उत्तर उत्तर भूमियों में विनियोग करना चाहिए। तस्य संयमस्य जित भूमे या अनंतरा भूमि तत्र विनियोग। जित भूमि उस संयम की जो जीती हुई भूमि है, नीचे की भूमि से ऊपर वाली जो भूमि है, जिसको हमने पहले वाली भूमि को जीत लिया है, उसको आगे वाली भूमियों में उसका विनियोग होता है। जित भूमि भूमि का मतलब यह है जो एक विशेष अवस्था है। जैसे हमारी एकाग्रता की जो अवस्था होती है, उसे एक अवस्था विशेष को या भूमि कह रहे हैं। तो संयमस्य जित भूमे या अनंतरा भूमि, उसकी जो अनंतर भूमि है, जो स्टेजेज हैं हमारी जो एकाग्रता की, उसको यहां भूमि कह रहे हैं। तो जिता चासो भूमि जित भूमि, तस्याह जित भूमे, समास करके बता रहा हूं। जिता चासो भूमि, ये जो स्त्रीलिंग शब्द है भूमि, तो इसका विशेषण है जिता। तो इस जिता को जब हम समास करते हैं तो पूर्व पद को पुलिंग जैसा हो जाता है, तो जिता जित बन जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द जित भूमि कहलाएगा, जिता भूमि जित भूमि। जैसे शुक्ला शाटी शुक्ल शाटी ऐसे बन जाता है, शाटी साड़ी को कहते हैं, शुक्ला शाटी शुक्ल शाटी। जिता भूमि जित भूमि, जित भूमेर या अनंतरा भूमि, उसके जो निकटवर्ती जो भूमि है वहां उस संयम का उपयोग विनियोग किया जाता है, उस संयम का प्रयोग, विनियोग माने प्रयोग। नहीं अजित अधर भूमि, नहीं अजित अधर भूमि, नहीं जीता है अधर भूमि को, अधर स्टेज को जिसने, उसको अनंतर भूमि विलिंग, उसके निकटवर्ती भूमि को छलांग लगाकर प्रांत भूमि सु अंतिम भूमियों में संयम नहीं प्राप्त होता है। बीच वाली भूमि को कूद करके अंतिम भूमि में चले जाएं, ऐसे संयम नहीं होता है। तब अभावाच्च कुतस्तत् प्रज्ञालोका, और उसके अभाव होने पर मानी वो जो संयम है, वो जब हमारे को नहीं सद रहा है संयम के न होने पर, उसको फिर उन उन भूमियों में जो प्रज्ञा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो नहीं मिलेगा। ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की महिमा गा दी यहां देखिए, किंतु ईश्वर की कृपा से जितोत्तर भूमि कस्य न अधर भूमि, न अधर भूमिसु परचित्त ज्ञानादिशु संयमो युक्ता। ऊपर की भूमि के संयम का जय कर लेने के बाद नीचे की जो भूमियां हैं, अन्य लोगों के चित्त का ज्ञान आदि करना, ये अधर भूमि बताई है। ये भी एक योग की अवस्था है, एक विभूति है कि परचित्त ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त में क्या विचार चल रहे हैं इसका पता चल जाता है हमारे को। तो कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर ऊंची भूमि में यदि कोई पहुंच गया है तो इसमें परचित्त ज्ञान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक सूत्र है, हाँ, तो 19 नंबर सूत्र में संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों में संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है हमारे को, पूर्व जन्म में हम कहां थे और किस अवस्था में थे उसका पता चल जाता है। और इसमें बताया प्रत्यक्ष पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरों के चित्त की विशेष अवस्था का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष संयमात प्रत्यक्ष साक्षात्करणात तथा पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। लेकिन गुरुजी वहां जाकर तो योगी आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करेगा, वो पर चित्त में क्यों लगाएगा? यही तो यहाँ पर कहा है, अभी ये जो पढ़ रहे हो 6 नंबर सूत्र, इसमें देखिए आप यही बात कही है। जो आप लोग
आप लोगों के मन में भी आ रहा है, वही बात कही है। यूं कह रहे हैं, ईश्वर के प्रसाद से जितोत्तर भूमि कस्य, जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, प्राप्त कर लिया है। जीतने का मतलब प्राप्त करना, उस अवस्था को, उस स्टेज को प्राप्त करना। जितोत्तर भूमि कस्य न अधर भूमि सु, जो नीचे वाली जो भूमि है, स्टेज है, परचित्त ज्ञान, दूसरे के चित्त में क्या अवस्था चल रही है उसके लिए मन नहीं लगाता है। दूसरों के चित्त को जानने के लिए मन नहीं लगाता है, ऐसे कहा है। विकल्प नहीं, वो तो चित्त की विभूतियां गिनाई हैं, वो भी एक भूमि है। उस भूमि में उसको बहुत सारी भूमियां हैं, चित्त की बहुत सारी स्टेजेज है, कितनी सामर्थ्य है, वो सारा वर्णन कर रहा है शास्त्र। तो वो बता दिया है, बाद में ये भी बता दिया है कि ता व्युत्थाने सिद्धया, व्युत्थान दशा में सिद्धियां हैं, समाधव उत्सर्गा, समाधि के लिए वो बाधाएं भी है, ऐसे भी बता दिया। जैसे आयुर्वेद में कभी कभी मांस के गुण धर्म बता देते हैं, पर ये भी कह देते हैं कि ये धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। साथ में ये भी बता देते हैं कि उससे जो है हमारे चित्त में रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, जिनको सात्विकता चाहिए उनके लिए अच्छा नहीं है। तो शास्त्र तो एक सामान्य रूप से सबकी दृष्टि से लिखा गया होता है, और उसको उसका वर्णन करना होता है कि चित्त की कितनी सामर्थ्य है। यदि साधक ये साधना में जुटा हुआ और वो मांसाहार आदि करता है तो क्या वो सात्विक स्थिति नहीं बना पाएगा क्या? वो रजोगुण को दबा ले, गुण का अपना प्रभाव होता ही है, गुण का तो अपना प्रभाव है ही ना, पदार्थ का। हमारे मन, जो मन है वो पदार्थ का ही सूक्ष्म भाग होता है, जो हम खाते हैं उसका सूक्ष्म भाग है, आहार का सूक्ष्मतम अंश ही मन है। अन्नमयम ही सौम्य मना, उपनिषद में आता है कि जो ये मन है ये अन्नमय है। इतनी सिद्धियां जो बता रहे हैं, इतना सामर्थ्य है चित्त का, तो वहां जा करके वो उसका अभिभव नहीं कर लेगा क्या? हिंसा से बचना चाहता है ना वो। यहाँ पर कहा है कि भाई हिंसा से बचना, पहला ही चीज कह दी कि हिंसा से बचना है, और उसमें हम क्यों निमित्त बने, हम ऐसा क्यों काम करें जिसमें कि हमारे लिए हम हिंसा में शरीक हो जाएं। तो ईश्वर प्रसादात, हाँ जी, तो जो पहले जिन्होंने किया हुआ सेवन, पहले खाया हुआ है, वो वहां जाकर के उस चित्त को बदल लेते हैं क्या? हाँ, पहले जो खाया है वो तो परिवर्तित कर ही लेते हैं ना, संस्कार ही खत्म कर देते हैं उसका, उसका प्रभाव फिर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमि कस्य, जो उत्तर भूमि को जिसने जीत लिया है, ना अधर भूमि सु, अधर भूमियों में परचित्त ज्ञानादिशु, परचित्त ज्ञानादि जो अधर भूमि है उसमें संयम युक्त नहीं है, उसमें संयम नहीं किया जाता है। तो भूमियों में, अगली भूमियों में जिसने स्थिति प्राप्त कर ली है, तो नीचे वाली भूमि में वो संयम करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? कस्मात? तदर्थस्य अन्यता एव अवगतत्वात्। क्योंकि उत्तर भूमि में जो आरोहण कर लिया है, उस अर्थ की अन्य साधन से प्राप्ति हो जाने के कारण, तदर्थस्य उस अर्थ का, माने उत्तर भूमि का जो आरोहण है, उस अर्थ की अन्य साधन से प्राप्ति हो जाने के कारण, उसके अर्थ की अन्य साधन से प्राप्ति हो जाने के कारण, जो नीचे वाली भूमि की जो स्थिति है उसके बारे में ईश्वर की कृपा से जो ऊंची स्थिति उसने प्राप्त की है, उससे निम्न भूमि से जो मिलना है वो उसको अपने आप ही मिल गया स्वाभाविक रूप से। चित्त की एकाग्रता के लिए ये सारी योजनाएं की जाती हैं। तो जब ऊंची ऊंची वाली भूमि में हम पहुंच गए, तो निम्न भूमि में जो हमारे को करना चाहिए, निम्न भूमि के लिए जो प्रयास किया जाता है, वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक। जब हम एक क्विंटल वजन उठा सकते हैं आराम से, तो हम 20 किलो उठाने के लिए या 40 किलो उठाने के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? वही बात कही है।
तदर्थस्य माने उस अर्थ के, किस अर्थ के, जो उत्तर भूमि में जो आरोहण किया है और जो निम्न भूमि में जो चीज है, तो वो उत्तर भूमि में आरोहण के कारण निम्न भूमि की स्थिति को उसने समझ लिया है ठीक से। भूमेरस्य यम अनंतरा भूमि, कहते मेरी ये स्थिति है और इससे अगले वाली स्थिति ये है, इसका पता कौन बताएगा कि मैं यहां खड़ा हूं और इससे अगली जो भूमि है ये होगी, इसका पता कैसे चलेगा? तो उत्तर देते हैं योगाय उपाध्याय, इसका पता जो है योग से ही लगेगा, योग स्वयं हमारे को उपाध्याय बन करके सीख देता है। योगा एव योगस्य उपाध्याय, योग ही योग का शिक्षक बन जाता है। हम कहाँ खड़े हैं और मैं और ऊपर जाने के लिए मुझे और कहाँ जाना चाहिए, ये स्थिति हमको अंदर स्वयं पता लगती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कथम एवं ही उक्तम, जैसा कि कहा है, योगेन योगो ज्ञातव्या, योग के द्वारा योग को हमें जानना चाहिए। योगो योगात प्रवर्तते, योग जो है योग से आगे प्रवृत्त होता है। यो अप्रमत्तस्तु योगेना, जो योग विषय में सावधान है, योग में जो सावधान है, अप्रमत्त असावधान नहीं है, सयोगे रमते चिरम, वह योग के द्वारा दीर्घ काल तक आनंद अनुभव करता है। हाँ जी, कौन सी भूमि में जा करके उपाध्याय का काम चलेगा? हर वक्त ही चल रहा है, तो फिर वो योगी को तो दूसरे से सीखने की आवश्यकता ही नहीं। फिर वो तो एक शास्त्र का सामान्य ज्ञान तो हम लेते ही हैं प्रारंभ में, तो देखो वो तो करना ही पड़ता है प्रारंभ में, हमारे को शास्त्र की एक प्रक्रिया तो जाननी होती है, फिर उतना कोई यदि अंतर्मुख हो जाए तो पता लग जाता है थोड़ा सा। एक स्टेज तो माने बाह्य प्रभावों से, थोड़ा संसार से वैराग्य तो शुरू होना ही चाहिए, वैराग्य के बिना तो इस रास्ते में एक कदम भी हम नहीं चलते। ये अभ्यास की चीज है, जो उत्तर भूमि उत्तर भूमि उत्तर, ये अभ्यास की चीज है, तो इससे पहले जो है वैराग्य हमारे को होना ही चाहिए संसार के विषयों से, अपनी जो तरह तरह की जो संसार में प्रलोभन के जाल बिछे हुए हैं, तो उससे तो हमारे को वैराग्य होना ही चाहिए, उसके बिना हम अभ्यास क्या करेंगे। एकाग्रता के लिए जो अभ्यास है उसके मूल में वैराग्य है। दुनिया का जो आकर्षण है, विषयों का जो आकर्षण है, चीजों का, सत्ता संपत्ति सम्मान विषय सुख, ये सारे जो आकर्षण है वो मंद होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, बंद होने चाहिए, तो हम अभ्यास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एकाग्रता का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ईश्वर परिधान को इन्होंने बताया कि ईश्वर प्रसादात, ईश्वर प्रसाद से कभी कभी ऊंची भूमि हमें मिल जाती है, तो फिर निम्न भूमियों में माने किसी एकाग्र पृथ्वी भूत के ऊपर एकाग्रता करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश पर एक एक भूत के ऊपर आवश्यकता नहीं है, कहीं एक त्राटक करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, किसी दीपक के ऊपर, फिर हमें इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं जो करते हैं उस सब की आवश्यकता नहीं है। बाह्य क्रियाएं जो करते हैं, किसी सामने कोई बिंदु रख करके और उस बिंदु को निरंतर सतत हम देखते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान के प्रेम में अपने आप को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही आगे बढ़ा देते हैं, अपने आप को भगवान के प्रेम से एक कर देते हैं, भगवान के साथ एक होने के लिए पूरे आंतरिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो ये सब बाह्य जो क्रियाएं हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आप लोगों ने दूसरे पाद, पहले पाद में एक सूत्र में समाधियों की चर्चा करते समय बताया, वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत, तो बड़े स्थूल से शुरू किए कि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि हमें प्राप्त करने के लिए जो पांच स्थूल भूत हैं उनमें से किसी को पकड़ना पड़ता है, पृथ्वी भूत जल भूत अग्नि भूत। पृथ्वी भूत का मतलब जो हमारी नासिका में गंध आ रही है वो पृथ्वी भूत है, आंखों से जो रूप हमको पता चलता है वो अग्नि भूत है,
हमारी जीवा में जो रस का अनुभव होता है वो जल भूत है, हमारी त्वचा में जो स्पर्श होता है वो वायु भूत है। तो इस तरह से हम स्थूल भूत में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं और इसी तरह से आगे आगे फिर सूक्ष्म भूतों में अपने आप को एकाग्र करते हैं, इंद्रियों में एकाग्र करते हैं और अंतिम जो है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की बात कही गई है। तो ऐसे बहुत सारे ये संयम के ये रूप दिखाए हैं। तो भूमि स्टेज है हमारी और जो उसके बाद इमीडिएटली फॉलोइंग स्टेज जो है वो उत्तर भूमि कहलाएगी। इमीडिएटली फॉलोइंग स्टेज कि हमारी चित्त की जो इसके बाद आने वाली क्या स्थिति होनी चाहिए। संयम धारणा ध्यान समाधि के बाद शुरू होता है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्या, इन पांच अंगों की अपेक्षा से ये जो तीन है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्या, संप्रज्ञात समाधि तीन अंतरंग बता दिए, पांचों अंगों की अपेक्षा से ये जो तीन अंग हैं ये हमारी समाधि की स्थिति के लिए अंतरंग साधन है। पूर्व जो पांच साधन थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो जो पांच थे उनको पूर्व शब्द से कह रहे हैं। वे जो पूर्व हैं वो तीनों, उन पूर्व की अपेक्षा से ये जो तीन है धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग है अगली समाधि के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए। प्रयम अंतरंगम, तीन जो है अंतरंग है अगली असंप्रज्ञात समाधि के लिए पूर्व की दृष्टि से। लेकिन संप्रज्ञात समाधि के लिए वो पांच ही, वो जो पांच हैं वो एक प्रकार से हमारे हमारे लिए सहायक हैं, पूरा पूरा सहायक हैं। बहिरंग बताया इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका कोई रोल नहीं है। बहिरंग का मतलब थोड़ा दूर है, हमारे चित्त के साथ जो जुड़ी हुई चीज है वो धारणा ध्यान समाधि है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्या, पूर्व साधन की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग है। तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम संप्रज्ञात समाधे पूर्वेभ्या यमादिभ्या पंचभ्या साधनेभ्या। पहले वाले अंग यम नियमादि जो है उन साधनों की अपेक्षा धारणा ध्यान समाधि त्रयम, ये जो तीन हैं, अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधे, संप्रज्ञात समाधि के ये तीनों साधन अंतरंग हैं। पूर्वेभ्या यमादिभ्या पंचभ्या साधनेभ्या, पूर्व यमादि साधनों की अपेक्षा। तो ये संप्रज्ञात समाधि कह रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि के ही ये तीनों धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात समाधि के ही अंतरंग साधन बता रहे हैं। माने संप्रज्ञात समाधि के ही अंतरंग साधन बता रहे हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, और ये संयम भी निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग हो जाता है। तदपि अंतरंगम साधन त्रयम, ये तीनों अंतरंग साधन निर्बीज योग के लिए बहिरंग हो जाते हैं। तद अभावे भावात, उनका अभाव होने पर ही निर्बीज समाधि होती है। निर्बीज समाधि की स्थिति कब आती है, सारे साधन हमारे छूट जाते हैं। पर वैराग्य उसका उपाय है केवल। पर वैराग्य का मतलब बुद्धि से भी जो हमें उपयोग लेना था उसको छोड़ देना। पहले पाद के एक सूत्र में कहा है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, विराम का जो कारण पर वैराग्य उसका अभ्यास के माध्यम से हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं। और कहा है सालंबनो ये अभ्यास तत् साधनाय न कल्पते, जो सालंबन अभ्यास हैं उसके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। आलंबन रहित तो होकर के जो एक हमारी एक स्थिति आती है उसी को उसमें सहयोगी बताया है। बुद्धि से, बुद्धि का भी जो हम उपयोग लेते रहते हैं, बुद्धि से जो हम देखते रहते हैं
किसी ने पूछा था, किसी एक विद्वान ने कहीं पर बड़े अच्छा प्रश्न किया था कि योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में क्या भेद है। तो संप्रज्ञात समाधि सालंबन समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि निरालंबन है, ये एक भेद है। संप्रज्ञात समाधि में अपर वैराग्य की आवश्यकता है, संप्रज्ञात समाधि में अपर वैराग्य की आवश्यकता है, संप्रज्ञात समाधि में पर वैराग्य की आवश्यकता है। पर वैराग्य क्या है? गुणों में वितृष्णा, बुद्धि से वियुक्त हो जाना। बुद्धि से वियुक्त का मतलब जो हमेशा हम बुद्धि के द्वारा हर बात को देखते रहते हैं, जांच परखते रहते हैं, उससे अपने आप को अलूफ कर लेना, अलग कर लेना। शब्दों में ये बात बताने में बहुत मुश्किल है। हाँ जी, स्मृति तो अंदर ही रहती है, वो उतनी देर के लिए निर्बीज होता है। जैसे हम नींद में होते हैं तो आपसे पूछें स्मृति कहाँ रहती है, जब आप नींद से बाहर आते हैं तो सारी चीजें जानने लगते हैं। नींद में भी तो आपको कोई जान नहीं रहता है, जब आप उठते हैं तो वो कहाँ से स्मृति आ जाती है। तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, हम ये जो चर्चा हो रही है ध्यान के अभ्यास के लिए कह रहे हैं, और उस ध्यान की स्थिति में हम उतनी देर के लिए बाह्य ज्ञान से रहित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धि को सदा के लिए छोड़ देते हैं। सदा के लिए छोड़ देंगे तो फिर हमारी आंखें ही खुलेंगी नहीं। बुद्धि को छोड़ देंगे तो अपने स्वरूप में रहेंगे। निद्रा और समाधि में क्या अंतर है? इतना ही है कि निद्रा में हम उस समय अपने आप को नहीं जानते हैं, समाधि में उस समय भी हम सचेतन रहते हैं, उस समय भी हमें अपनी चेतना जो है वो हम अपनी चेतना में रहते हैं। तदपि बहिरंगम, ये जो साधन त्रय है निर्बीज समाधि निर्बीज योग का, ये बहिरंग हो जाता है क्योंकि तद अभावे अभावात, तद अभावे भावात, उसके अभाव होने पर ही उसका भाव होता है। सामान्य चर्चा के बाद चित्त के परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चित्त में क्या क्या परिणाम होते हैं उसको बता रहे हैं। अथ निरोध चित्त क्षणेशु चलम गुण वृत्तम इति कीदृशा तदा चित्त परिणाम। गुणों का स्वभाव चंचल कहा है, चलम गुण वृत्तम, गुणों का जो क्रिया है उसको चल कहा है, निरंतर चलायमान है, गुण हमेशा अपना गति में रहते हैं। तो निरोध चित्त क्षणेशु, चित्त के निरोध काल में चित्त का जो परिणाम है वो किस प्रकार का होता है, ये प्रश्न किया। चित्त जब निरोध स्थिति में आ जाता है, उसमें कोई वृत्ति नहीं रहती, तो उस समय क्या परिणाम चलता है? क्योंकि प्राकृतिक हर चीजें परिणाम, हम इस सृष्टि में दो तत्व मूल रूप से हैं, एक परिणामी एक अपरिणामी। जैसे हर चीज परिणामी है, इस पुस्तक में भी परिणाम हो रहा है, हमारे शरीर में भी हमेशा परिणाम चल रहा है, हमेशा परिणाम चल रहे हैं। कोई आप लोहा डायमंड, सूर्य पृथ्वी, पृथ्वी मिट्टी, हर चीज में परिणाम चल रहा है, पानी के अंदर भी परिणाम चल रहा है, सूर्य की किरणें आती हैं वो भी परिणाम युक्त हैं, कोई भी चीज, ये लाइट जो आ रही है इसमें भी परिणाम चल रहा है, कोई भी चीज परिणाम से खाली नहीं, हमारे मन में भी हमारी इंद्रियों में भी परिणाम चल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब चित्त निरोध स्थिति में चला जाता है और उधर कहते हैं कि गुण परिवर्तनशील हैं, तो फिर वो चित्त में कैसा परिणाम चलता है? चित्त तो अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, चित्त तो है और चित्त में वृत्ति है नहीं कोई भी, संस्कार मात्र तो बचे हैं लेकिन वृत्ति नहीं बची। समाधि की जो असंप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति बताते हैं
तो ये कहते हैं कि वहां वृत्ति नहीं रहती है, संस्कार मात्र तो रहते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्य, संस्कार तो शेष रहते हैं, संस्कार खत्म नहीं होते। केवल एक बार हमारी स्थिति यदि वैसी आ गई तो उतने मात्र से संस्कार खत्म नहीं होते हैं, संस्कार तो रहते ही हैं, सारे संस्कार हमारे अंदर रहते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन उस अवस्था में जब हम समाधि की स्थिति में, तो चित्त में परिणाम का स्वरूप क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, उसको उत्तर दे रहे हैं। निरोध चित्त क्षणेशु चलम गुण वृत्तम, गुण वृत्त तो चलायमान है। निरोध चित्त क्षणेशु में क्या समास हो सकता है? निरोध दशा वाले जो योगी का जो चित्त है उस क्षण, निरोध क्षण चित्त, निरोध चित्त क्षणेशु, निरोध दशा वाले योगी जन का जो चित्त है उसको निरोध चित्त कहते हैं, निरोध कालिक चित्त। निरोध चित्त का मतलब है निरोध के समय जो चित्त की स्थिति है उसको निरोध चित्त कहते हैं। और निरोध चित्त क्षणेशु, चित्त की उस स्थिति में जितना समय बीतता है उस समय के लिए ये कहा है निरोध चित्त क्षणेशु, निरोध कालिक चित्त की स्थिति में। एक तो निरोध, एक चित्त, एक क्षण, तीन शब्दों को इकट्ठा करके कुछ बात कह रहे हैं। तो निरोध चित्त का मतलब सीधा सा है निरोध कालिक चित्त, निरोध के समय जो चित्त है उसको निरोध कालिक चित्त को निरोध चित्त कह रहे हैं। और निरोध चित्त की उस स्थिति में जितना समय हमारा बीतेगा तो उस समय के लिए कहा है कि निरोध चित्त क्षणेशु, निरोध कालिक चित्त की स्थिति में गुणवृत्त मानी गुणों का जो व्यवहार है, गुणों का व्यवहार वो चंचल बताया, निरंतर परिणामशील बताया। इस हेतु से हम ये पूछना चाहते हैं कि दृशा तदा चित्त परिणाम, कैसा होता है चित्त का परिणाम? गुणों के गतिशील होने के कारण उनका निरंतर परिणाम होता रहता है, तो उस परिणाम का स्वरूप बताने के लिए ये सूत्र जो है हमारे सामने कुछ कह रहा है। सूत्र सामने है, व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान, हाँ जी, निरोध चित्त, निरोध कालिक चित्त, कालिक शब्द का लोप कर देंगे, निरोध कालिक चित्त को निरोध चित्त कह दिया। निरोध कालिकम चित्तम, निरोध चित्तम, जैसे शाक प्रधान है पार्थिव, शाक पार्थिव बोलते हैं, निरोध कालिकम चित्तम, निरोध चित्तम। और निरोध चित्त का जो क्षण है, निरोध चित्त का जो क्षण है उसको कहेंगे निरोध चित्त क्षण। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा चित्त का क्या परिणाम होता है, परिणाम बता रहे हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। देखो व्युत्थान और निरोध संस्कार, निरोध संस्कारयो, अभिभव प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव दो शब्द हैं, अभिभव और प्रादुर्भाव, और इधर भी दो शब्द हैं व्युत्थान और निरोध, और इस संस्कार का दोनों के साथ संबंध है। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार दो चीजें हो गई, उनको यथासंग संबंध कीजिए। व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। व्युत्थान निरोध संस्कार है, व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उभरना, ये निरोध कालिक चित्त में होने वाला निरोध परिणाम है। निरोध कालिक जो चित्त है
उसमें ये परिणाम चलता रहता है। मानी वृत्तियां तो है नहीं, संस्कार उसमें है, तो उस संस्कार के अंदर ही परिणाम चलता है। जैसे कि हमारे अंदर हम निरोध में चले गए तो एक क्रोध का संस्कार और एक है अक्रोध का संस्कार, दो संस्कार हैं हमारे अंदर। तो अक्रोध का जो संस्कार है वो दबता रहता है, क्रोध का जो संस्कार है वो दबता रहता है और अक्रोध का जो संस्कार है वो उसका प्रादुर्भाव होता रहता है। निरंतर ये क्रिया चलती रहती है हमारे चित्त में, संस्कार के बीच में। संस्कार जो है उसके अंदर ये क्रिया चलती रहती है, उसके अंदर ये परिणाम चलता रहता है। निरोध संस्कार के समय निरोध कालिक चित्त में क्या परिणाम चलता है, चित्त जो है दो धर्मों से युक्त है, एक दृष्ट धर्म दूसरा अदृष्ट धर्म। जो ये वृत्तियां हमारे चित्त में उठ रही हैं इसको कहते हैं दृष्ट धर्म, और जो संस्कार होते हैं हमारे चित्त में उसको अदृष्ट धर्म कहते हैं। जो तरह तरह की वृत्तियां हमारे चित्त में उठती रहती हैं, तरह तरह की वृत्तियां, अपवर्ग की भी क्लिष्ट वृत्तियां भी उठती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां भी उठती हैं, इसको वृत्तियां दृष्ट धर्म कहते हैं। जैसे हम कुछ जानते हैं, यूं समझो जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो ये भी एक वृत्ति है, मैं सुन रहा हूं कोई आवाज और उसको मेरे को जानकारी होती है तो एक वृत्ति है। तो जो भी हमारा चित्त कुछ जानता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, तो ये चित्त का दृष्ट धर्म कहलाएगा। और वृत्ति ज्ञानात्मक व्यापार को कहते हैं, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है उसको वृत्ति कहते हैं। जो हम जानते हैं कुछ, हम जो समझते हैं इसको वृत्ति कहते हैं, ज्ञानात्मक व्यापार को वृत्ति कहते हैं। तो यहां पर ऐसे समझना है, तो ज्ञानात्मक व्यापार और दृष्ट धर्म एक ही चीज है, ज्ञानात्मक व्यापार और दृष्ट धर्म एक ही चीज है, वृत्ति और दृष्ट धर्म एक ही चीज है। वृत्ति कहो, दृष्ट धर्म कहो, ज्ञानात्मक व्यापार कहो, एक ही बात है। प्रत्यय कहो, प्रत्यय भी वही है, प्रत्यय दृष्ट धर्म ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त का प्रत्यय, विज्ञान, विज्ञान भी एक शब्द का प्रयोग होता है। इस एक ही बात को समझाने के लिए चार पांच शब्द बोले जाते हैं योग दर्शन में। अदृष्ट धर्म के लिए भी अन्य शब्द हैं। अदृष्ट धर्म का मतलब है संस्कार, संस्कार और अन्य हैं किसके? बस संस्कार बोलते हैं, संस्कार या अदृष्ट धर्म। चित्त के अंदर जो अदृष्ट धर्म है उसका दूसरा नाम है संस्कार, उसको वासना भी कहते हैं। संस्कार का एक दूसरा नाम वासना है, उसका एक नाम आशय है। यहां पर योग दर्शन में इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, आशय, वासना, संस्कार, ये प्रचलित शब्द हैं, एक ही अर्थ में आप लोगों को जानकारी है इसका। संस्कार भी उसी को कहते हैं, वासना भी उसी को कहते हैं, आशय भी उसको कहते हैं, और ये तीनों चीजें अदृष्ट हैं, वो हमारे अनुभव में नहीं आती। जैसे मेरे अंदर जो संस्कार हैं वो हमें अनुभव नहीं आते, जब हमारे अंदर वृत्ति उठती है तब वो हमारे को दिखाई देते हैं, तब हमारे को समझ में आती है कि ये चीज है। योगी तो संस्कारों को भी देख ही सकता है ना, इसमें दिखाया ही है कि संस्कार ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञान का, पूर्व जाति के संस्कारों को भी देख लेता है वो। तो ये व्युत्थान निरोध संस्कारो अभिभव प्रादुर्भावो, निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध परिणामा, निरोध कालिक चित्त में होने वाला निरोध समय, क्षण कहते हैं समय, निरोध कालिक जो चित्त है उसमें रहने वाला, अन्वय कहते हैं उसमें अन्वित रहने वाला, उसमें रहने वाला, ये निरोध परिणाम है। निरोध कालिक चित्त में रहने वाला निरोध परिणाम है। निरोध कालिक चित्त में क्या चीजें रहती हैं? दो चीजें रहती हैं, व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। तो ये व्युत्थान संस्कार, मैंने आपने उदाहरण पूछा था, व्युत्थान संस्कार है, जैसे कि क्रोध एक व्युत्थान संस्कार है, इसका तो अभिभव, और अक्रोध एक
अक्रोध एक निरोध संस्कार है, क्रोध का जो अभाव है उसी को अक्रोध कहते हैं। तो क्रोध का जो अभाव है उसी का नाम निरोध है। तो उस निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव, ऐसे ही सब जगह आप लगा सकते हो, दो दो चीजें हमारे अंदर देख सकते हैं, जैसे उदारता और कंजूसपना। तो कंजूसपना एक वित्थान संस्कार है, उसका दबना और उदारता का प्रादुर्भाव, संस्कार का संस्कार के बीच में वहां पर परस्पर वो चलता है परिणाम। एक चीज दबती रहती है, जैसे कि कोई एक गाड़ी की कमानी होती है और गाड़ी का लोड उसके ऊपर है, तो क्या कहोगे इस स्थिति को, कि ऊपर से भार कमानी को दबा रहा है और जो वो कमानी है वो उसको उठा रही है ऊपर को। परस्पर उन दोनों के बीच में अभिभव और प्रादुर्भाव, या उन दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, क्रिया चल रही है, यूं कह सकते हैं, संघर्ष चल रहा है, क्रिया चल रही है, एक व्यापार चल रहा है, वजन का और कमानी के बीच में एक व्यापार चल रहा है, कि वो दबा रहा है वो उसको ऊपर उठा रही है। तो ऐसे ही हमारे चित्त में ये संस्कारों का एक परिणाम, एक व्यापार, एक क्रिया चलती रहती है। जब चित्त वृत्तियां नहीं रहती हैं तब भी ऐसे दिखाया कि निरोध कालिक चित्त में ये परिणाम लगा रहता है, अन्वय कह दिया कि ये लगा रहता है, ये परिणाम उसमें अनुगत रहता है। ये भी कह रहा हूं और साथ में दूसरी बात भी कह रहा हूं, एकाग्रता का जो संस्कार है और निरोध का संस्कार, वो भी दो हैं। जैसे कि एकाग्रता का संस्कार है हमारे चित्त में, जो एकाग्रता का संस्कार है और बिल्कुल वृत्ति निरोध की स्थिति का संस्कार, या वित्थान, सब दोनों के लिए हो सकता है। निरोध के वैसे निकटतम एकाग्रता है, तो इसलिए हम जो है, जो किसी एक विषय में हमारी चित्त की जो स्थिति है, माने चित्त की पांच अवस्थाएं हैं, चंचल अवस्था, क्षिप्त मूड, विक्षिप्त, एक स्थिति है क्षिप्त, दूसरी है मूड, तीसरी है विक्षिप्त और चौथी एकाग्र, पांचवी निरुद्ध। ये चित्त की पांच अवस्थाएं हैं। तो ये व्युत्थान शब्द से तीसरी अवस्था का भी ग्रहण हो सकता है, चौथी का भी हो सकता है। तीसरी के जो संस्कार हैं, वैसे तो वहां तक जाने में ये संस्कार जो है कम हो जाते हैं, एकाग्र स्थिति में हमारी पहुंच हो जाती है। जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, पांचवी स्टेज की चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझो कि हमारी एकाग्रता पार करके हम गए हैं। तो यहां पर एकाग्र स्थिति में, एकाग्र स्थिति को ही हम व्युत्थान कहें तो और अच्छा है, क्योंकि निरोध के निकटवर्ती, निरोध से जुड़ता हुआ जो चीज है वो तो व्युत्थान ही है। व्युत्थान का मतलब एकाग्र। तो एकाग्रता का जो संस्कार है वो दबता है और निरोध का संस्कार उसको दबा रहा है। अभिभव और प्रादुर्भाव, अभिभव का अर्थ होता है दबना और प्रादुर्भाव का मतलब उभरना। तो जो वो दबाने वाला है वो तो निरोध संस्कार है और जो दबने वाला है वो एकाग्रता का संस्कार है। और जब वो उल्टा हो जाती है कहानी, एकाग्रता का संस्कार जब बलवान हो जाए और निरोध संस्कार जब दबने लगे, तो उस समय हम समाधि से बाहर आ जाते हैं, ऐसे समझाना चाह रहे हैं। क्रोध तो बताया मैंने, समझाने के लिए मोटा बताया उदाहरण। हाँ, मैंने उदाहरण, उन्होंने मोटा सा उदाहरण पूछा था कि इसका कोई लौकिक उदाहरण, उसका लौकिक उदाहरण उन्होंने पूछा था, तो लौकिक उदाहरण तो समझाने के लिए ऐसे ही देंगे कि जैसे कोई क्रोध का संस्कार है और दूसरी तरफ एक अक्रोध का संस्कार है, संस्कार, तो क्रोध के संस्कार को अक्रोध का संस्कार दबाता है। तो इसी तरह से हमारी चित्त की जो एकाग्र अवस्था है वो एकाग्र अवस्था दब रही है और जो निरोध अवस्था है उभर रही है, और ये क्रम चलता रहता है। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि एकाग्र जो है हावी हो जाता है निरोध के ऊपर, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, एकाग्र जब हावी हो जाता है तो निरोध दब जाता है और हम
समाधि से बाहर आ जाते हैं। चित्त की पांचवी स्थिति है एकाग्रता के बाद ही वो स्थिति आती है, एकाग्रता के बिना वो स्थिति नहीं आती है। एकाग्रता का जो उत्तर क्षण है, एकाग्रता का परिणाम निरोध अवस्था है, निरोध भूमि है, एक एकाग्रता भूमि है हमारे चित्त की, एक सहज अवस्था को एकाग्रता कहा है कि हम जो है सहज रूप से हमारी स्थिति क्या है, सहज स्थिति हमारी निरोध भूमि है, सहज स्थिति एकाग्र भूमि है, सहज स्थिति व्युत्थान भूमि है, सहज स्थिति क्षिप्त है, सहज स्थिति मूड है, बिना प्रयास के जो होता है वो सहज होती है। तो जब हम एकाग्र भूमि में होते हैं तो वो निरोध भूमि अलग होती है, वो उसका वहां कहा है ना कि ये जो एकाग्र भूमि है वो निरोध भूमि के लिए एक तैयारी है, जो निरोध भूमि है उसके लिए ये एक तैयारी बनती है। तो जब हम निरोध भूमि से नीचे आते हैं, निरोध भूमि से आते हैं तो एकाग्र भूमि में ही आते हैं, एकाग्र भूमि से नीचे आते हैं तो व्युत्थान भूमि में आते हैं, व्युत्थान भूमि से नीचे आएंगे तो ऐसे ही होगा, एक एक स्टेप नीचे होते हैं। सहज तो प्रयास से ही होता है, पर इस समय जो सहज है, हमने बहुत प्रयास किया है किसी चीज के लिए, फिर वो सहज हो गया, जैसे कि मेरे को व्याकरण की सामान्य जो जानकारी है वो सहज हो गई है। अब वो व्याकरण की जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं उसको मैं सहज नहीं बता सकता हूं, उसको दिमाग पूरा कसरत करनी पड़ती है, महाभाष से पढ़ाने के लिए पूरा अटेंटिव होना पड़ता है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। पर जैसे शुरू वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो वो तो सहज हो गया ना, वो सहज भी किसी दिन थोड़ी था, कभी थोड़ी था वो, उसके लिए मेरे को उस समय, मैं भी ऐसे ही, जो आज चीजें असहज हैं कभी वो भी सहज नहीं थी। कहीं भी आप देख लें, बच्चे जब चलना सीखते हैं तो वो सहज नहीं होते हैं, कभी गिरते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर गिर जाते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं। जब हम लिखते हैं शुरू शुरू में क ख, शुरू शुरू में बच्चे जो लिखते हैं सहज नहीं होते हैं, कितना मुश्किल से हम लिखते हैं एक एक अक्षर, लेकिन फिर कितना फटाफट लिखते चले जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो अभ्यास से सहजता आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो सहज अवस्था है चित्त की, वो तो सहजता अपने आप थोड़ी बनती है, वो तो प्रयास से ही बनती है, जिस दिशा में भी हम कोशिश करते हैं वही सहजता बनती है। तो हमारी जो सहज अवस्था है वो पांच अवस्थाएं सहज हैं, ऐसे बता समझ सकते हैं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये पांच जो चित्त की भूमियां हैं ये अलग अलग व्यक्ति भेद से सहजता के रूप में देख सकते हैं। एक क्षिप्त भूमि सहज होती है किसी के लिए, किसी के लिए मूड अवस्था सहज है, किसी के लिए विक्षिप्त अवस्था सहज है, किसी की एकाग्र अवस्था सहज है, किसी की निरुद्ध अवस्था सहज है, ऐसे कहेंगे। तो जिसकी निरुद्ध अवस्था सहज है वो फिर कार्य में आएगा तो एकाग्र अवस्था में आएगा, निरुद्ध अवस्था से वो जो सेवा करने के लिए तैयार होगा तो उसकी एकाग्र अवस्था उस समय एकाग्र अवस्था में आएगा और फिर कुछ काम करेगा। जिसकी एकाग्र अवस्था सहज है तो फिर वो कुछ करेगा तो वो एकदम, उसको जरूरी नहीं कि वो एकाग्र ही रहे, व्युत्थान में भी जा सकता है। अभी जो एकाग्र स्थिति है फिर कर्म के बीच में जब जाएगा तो वो थोड़ा उसके अंदर रजोगुण तो बढ़ ही जाता है, तो वो नीचे आएगा तो एकाग्र से व्युत्थान अवस्था में, उसकी व्युत्थान अवस्था भी हो सकती है। जिसकी अभी एकाग्र अवस्था है तो वो किसी आलंबन को पाकर के या किसी परिस्थिति विशेष में व्युत्थान में जा सकता है, पर जो निरोध अवस्था सहज है तो वो एकाग्र से नीचे नहीं आ सकता है, ऐसे मैं कहना चाह रहा था। तो इसको देखिए अब आप, ये परिणाम जो है सहज नहीं है समझना, बड़ा मुश्किल है, कठिन है ये। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा नैते प्रत्यात्मका, व्युत्थान जो संस्कार होते हैं वो चित्त के धर्म है, वो प्रत्यय स्वरूप नहीं है, ये पहली बात कही। नैते प्रत्यात्मका, ये जो व्युत्थान संस्कार है प्रत्यय रूप नहीं होते हैं, प्रत्यय का मतलब चित्त वृत्ति के रूप वाले नहीं होते हैं, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार नहीं रहता है वहां पर कि जैसे वो जान रहा है। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा नैते प्रत्यात्मका, वो प्रत्यय स्वरूप नहीं होते हैं,
ज्ञान रूप नहीं होते हैं। इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा, तो प्रत्यय के निरोध होने पर जो ज्ञानात्मक व्यापार है चित्त का, जो हमेशा वो जान रहा है, उसके निरुद्ध होने पर संस्कार निरुद्ध नहीं होते हैं। संस्कार तो रहते हैं, अपने चित्त में पड़े हुए रहते हैं। प्रत्यय निरुद्ध होता है, प्रत्यय के निरोध होने पर संस्कार निरुद्ध नहीं होते हैं। निरोध संस्कार अभी चित्त धर्म कहते हैं, निरोध संस्कार भी चित्त धर्म है। तयोर अभिभव प्रादुर्भाव, उन दोनों का युद्ध चलता है। तयो उन दोनों का, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार का अभिभव और प्रादुर्भाव चित्त में चलता रहता है। तो यदि हम ये भी कह सकते हैं, देखिए इससे एक बात और निकल करके आ रही है, जैसे मैंने कहा कि व्युत्थान शब्द से एकाग्रता ही लें, जब संस्कारों की बात करेंगे तो अभी संस्कार पूरे दग्ध तो हुए नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं, तो वो बात चल रही है, प्रारंभिक स्टेज है। तो अब योगी की अलग अलग स्टेज होती हैं, जैसे कोई बहुत ही परिपक्व एक रमण महर्षि श्री अरविंद जैसा कोई स्थिति का योगी है, एक अभी अभ्यास शुरू किया है जिसने, और उसका मन बिल्कुल वो निरोध अवस्था में चला जाता है, चले जाने से उसके संस्कार थोड़ी हो गए, संस्कार जो है वो थोड़ी जल गए, तो व्युत्थान संस्कार भी तो रहते ही हैं, क्रोध का संस्कार भी है, लोभ का संस्कार भी है, निरोध भूमि में जाने के बाद भी संस्कार तो हैं ये सब। ऐसा नहीं कि निरोध भूमि में जाने से पहले सारे संस्कार जल जाएंगे तब हम निरोध भूमि में जाएंगे, ऐसा नहीं है जरूरी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जैसे संस्कार हैं हमारे अंदर चित्त में, ये कहना चाह रहे हैं, वो जैसे भी हैं, यदि वो व्युत्थान के हैं अर्थात नेगेटिव संस्कार अभी बच रहे हैं तो उनकी, और पॉजिटिव संस्कार भी हैं तो उनकी अभिभव प्रादुर्भाव चल सकता है। ऐसा जो भी, कहने का मतलब है जो भी चित्त में संस्कार हैं, यदि वो बहुत ही उसकी साधना बहुत पक्की है और वर्षों से वो समाधि में जी रहा है और सारे संस्कार जल गए हैं, फिर वो प्रज्ञा संस्कार मात्र बचे हैं, तो प्रज्ञा संस्कार का, प्रज्ञा संस्कार मतलब एक संस्कार दूसरे संस्कार से अभिभव प्रादुर्भाव होता रहता है। प्रज्ञा संस्कार ही यदि शेष बचे हैं और संस्कार बचे ही नहीं उसके अंदर, तो एक प्रकार से उन्हीं संस्कारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, और क्या होगा, जो है उसी के अंदर परिवर्तन होता रहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसको हम व्यापक रूप से भी देख सकते हैं, थोड़ा संकुचित रूप में भी देख सकते हैं, कि प्रारंभिक स्टेज में किसी के अंदर जो निषेध वर्ग है पूरा समाप्त नहीं हुआ है और उसके संस्कार बच रहे हैं, तो उन दो संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव चलेगा। थोड़ी और आगे स्थिति हो गई है तो जैसे संस्कार हैं एकाग्रता और निरोध के संस्कारों में अभिभव प्रादुर्भाव चलेगा। प्रज्ञा संस्कार जैसे पहुंच गया कोई व्यक्ति, सारे नेगेटिव संस्कार जल गए और प्रज्ञा संस्कार शेष रहे, तो उस प्रज्ञा संस्कार को ही यहां पर व्युत्थान संस्कार से कहेंगे, और उस प्रज्ञा संस्कार का भी जो निरोध है वो निरोध संस्कार से कहा जाएगा। कहा भी है पहले पाद में तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रज्ञा संस्कार जो है अन्य संस्कारों को रोकता है, और तस्या भी निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, मानी प्रज्ञा संस्कार का भी जब निरोध होता है तो निर्बीज समाधि होती है। तो प्रज्ञा संस्कार वित्थान संस्कार से कहा जाएगा वहां पर, जब बहुत ही अंतिम स्थिति आ गई है, और निरोध संस्कार जो उसके अंदर निरोध का जो संस्कार है वो निरोध संस्कार से कहा जाएगा। तो प्रज्ञा संस्कार और निरोध संस्कार, व्युत्थान और निरोध सबसे कहे जा रहे हैं। प्रारंभिक स्टेज में व्युत्थान से जो उसके अंदर जो निषेध वर्ग है उससे संबंधित भी कोई संस्कार बच रहा है, तो उन दोनों का, निरोध का और उसका अभिभव प्रादुर्भाव हो सकता है। तो जो हमारे चित्त में संस्कार हैं, कहने का मतलब यह है कि संस्कार का, संस्कार के द्वारा निरोध का भी एक संस्कार होता है। आप ऐसे समझो कि निरोध का भी एक संस्कार होता है हमारे चित्त में, निरोध का संस्कार भी एक संस्कार है। तो ये कहना चाह रहे हैं
कि निरोध संस्कार अभी चित्त धर्मा, निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है। तयोर अभिभव प्रादुर्भाव व्युत्थान संस्कार अहियंते निरोध संस्कार आधीयंते। जो व्युत्थान संस्कार हैं, हियंते का मतलब है दबते जाते हैं, और निरोध संस्कार आधीयंते उभरते जाते हैं। निरोध क्षणम चित्तम अन्वेती, इस तरह से जो जो चित्त निरोध दशा को प्राप्त, इस प्रकार से हमारा चित्त जो है निरोध अवस्था को प्राप्त होता रहता है। निरोध क्षणम चित्तम अन्वेती, चित्त जो है निरोध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चित्तम का विशेषण है निरोध क्षणम चित्तम अन्वेती, जो चित्त है वो निरोध क्षणम, निरोध अवस्था को, क्षण का अर्थ है यहां पर दशा अवस्था, निरोध दशा को चित्त प्राप्त हो जाता है। तो आगे एक बात कह रहे हैं, तदेकस्य चित्तस्य, एक ही चित्त है हमारा, प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम, प्रतिक्षण संस्कारों का अन्यथात्व यही निरोध परिणाम है। संस्कारों का जो अन्यथात्व है इसको ही निरोध परिणाम कहते हैं। संस्कारणाम अन्यथात्व यानी परिवर्तनम, संस्कारों का जो परिवर्तन है यही निरोध परिणाम है, निरोध नामक परिणाम है। तो निरोध क्षणम अन्वेती, निरोध क्षण से अन्वित होता है। चित्तम निरोध क्षणम अन्वेती, हमारा जो चित्त है वो निरोध क्षण से युक्त होता है, माने निरोध की दशा को प्राप्त होता है। चित्तम निरोध दशाम प्राप्नोति, निरोध क्षणम प्राप्नोति, निरोध दशाम प्राप्नोति, निरोध अवस्थाम प्राप्नोति, हमारा चित्त निरोध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तदेकस्य चित्तस्य, एक ही चित्त का प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम, एक ही चित्त का प्रतिक्षण जो संस्कार का अन्यथात्व है, संस्कार का जो परिवर्तन है यही निरोध परिणाम है। तदा संस्कार शेषम चित्तम निरोध समाधो व्याख्यातम, निरोध समाधि पहले पाद में विराम प्रत्याभ्यास पूरा संस्कार शेषो अन्य 18 नंबर सूत्र में शायद देखिए, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्य, तो उस सूत्र में इसको निरोध समाधि कह रहे हैं। यहां पर निरोध समाधो व्याख्यातम, निरोध समाधि में यह चीज व्याख्या की गई कि तदा संस्कार शेषम चित्तम, चित्त जो है संस्कार मात्र शेष वाला रहता है। तो कितनी ये कल्पना ही है, ये तो देखो कितना कहां तक पहुंच रहे हैं ये, कि केवल संस्कार मात्र बचे और एक स्थिति में आने पर वो संस्कार भी जल जाते हैं पूरे, तब जो है मुक्ति होती है। कितना दूर है मुक्ति का घर अब देख सकते हो आप। पहले तो वृत्तियों का निरोध करते हैं, संस्कार मात्र बचते हैं, संस्कार शुरू में नहीं जलते हैं, संस्कार रहते हैं और फिर वो संस्कारों को भी, प्रज्ञा संस्कार रहते हैं, फिर सभी प्रकार के संस्कार जो हैं, सभी तमाम संस्कारों का वो हो जाता है, निरोध हो जाता है, संस्कारों का भी पूरा का पूरा निरोध हो जाता है। संस्कारों का भी निरोध होना कितनी आगे की स्थिति हो सकती है। वो संस्कारों का निरोध क्रमशः होता है या वो एक साथ होता है? क्रम से ही होना चाहिए, क्षण क्षण में ही परिवर्तन चल रहा है ना। नहीं, संस्कार तो जैसे यहाँ पृथ्वी पर जल समुद्र है, ऐसे ही वो संस्कारों का एक समुद्र है जी, तो उनमें से वो बारी बारी से एक एक करके ही जाएंगे। नहीं, पहले तो देखो प्रज्ञा संस्कार जितने बढ़ते हैं वैसे धीरे धीरे जो व्युत्थान के संस्कार हैं, तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रज्ञा का संस्कार जो है अन्य संस्कारों का रोकता है, व्युत्थान के संस्कारों को रोकता है। जैसे पूरा का पूरा जो हमारे अंदर जो निषेध संस्कार है, निषेध वर्ग है, उसके जो संस्कार हैं वो समाप्त होते हैं, उसके बाद प्रज्ञा संस्कार बचते हैं। प्रज्ञा संस्कार का निरोध करने का मतलब ये है कि वहां पर इस शरीर को जब हम छोड़ रहे हैं
तो ऐसी चिन्मय स्थिति हमारी आ गई है कि वहां कोई भी हमारे को, वहां कोई भी किसी प्रकार का भी कोई संस्कार नहीं। तस्यापि निरोधे, वहां पर प्रज्ञा संस्कार का भी निरोध होने पर, जो निर्बीज समाधि को वर्णन किया है, तस्यापि निरोधे, प्रज्ञा संस्कार का भी निरोध होने पर वो स्वयं ही वो तो होते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता है। तो उस उसके लिए प्रयास नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वो स्वयं ही धीरे 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 वो शांत हो जाते हैं। तो उस स्थिति में पुरुष के साथ कुछ नहीं जाता, उसके साथ कुछ नहीं जाता है, पुरुष के साथ चेतन मात्र जो है। फिर तो वो हल्का हो गया, पूरे ब्रह्मांड में अपने आप घूमेगा, लोड था अब तक पूरा। उसको घूमने की इच्छा किस लिए, इच्छा ही तो खत्म हो जाती है, फिर किस लिए घूमेगा वो जो घूमने का चस्का है वो तो जब तक हमारे को अधूरापन है तभी ये घूमने का चस्का है। तो देखिए ये सूत्र में व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो, व्युत्थान और निरोध संस्कार का जो अभिभव और प्रादुर्भाव है, निरोध दशा में जो चित्त, निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध कालिक चित्त में होने वाला ये निरोध परिणाम है। तो ये संस्कारों का की बात कही, ये पूछा था कि निरोध दशा में, निरोध काल में जो चित्त का परिणाम है वो किस रूप में होता है। उत्तर दिया संस्कार के बीच में होता है। अब आगे एक बात आ रही है, ये पूछ रहे हैं कि वो संस्कार कैसे चलता है। कहते तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, निरोध संस्कार से लगातार उसकी प्रशांत वाहिता, निरोध चित्त का पूर्ण शांत रूप से लगातार स्थित रहना, ये निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से होता है। तस्य चित्तस्य प्रशांत वाहिता, उस चित्त की प्रशांत वाहिता जो है, तस्य का मतलब उसका, किसका, निरोध चित्त का, संस्कार से प्रशांत वाहिता चलती रहती है। संस्कार से प्रशांत वाहिता का मतलब यह है कि एक शांत रूप से लगातार बहना, चित्त का शांत रूप से लगातार स्थित रहना, यह निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से होता है। आगे कह रहे हैं निरोध संस्कारात, निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। निरोध संस्कार का जो अभ्यास है उसकी पटुता की अपेक्षा रखने वाली जो प्रशांत वाहिता है वो चित्त की प्राप्त हो जाती है। चित्त की प्रशांत वाहिता, उसका विशेषण डाला निरोध संस्कार के अभ्यास के पाठव की अपेक्षा रखने वाला, पटु शब्द से पाठव बनता है, निरोध संस्कार के अभ्यास के पाठव की अपेक्षा रखने वाला, रखने वाली ये प्रशांत वाहिता चलती रहती है। कैसा, निरोध संस्कार से, निरोध संस्कार के कारण, निरोध संस्कारों के अभ्यास की पटुता की अपेक्षा रखने वाली ये चित्त की प्रशांत वाहिता तत्संस्कार मान दे, निरोध संस्कार के मंद होने पर व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण, व्युत्थान धर्मी संस्कार के द्वारा निरोध धर्मा अभिभूयते, जो निरोध धर्म है वो अभिभूत होता है। जब हम व्युत्थान धर्म वाला जो संस्कार है, ये व्युत्थान धर्म वाला जो संस्कार है ये अभिभूत, ये उसको निरोध संस्कार को अभिभूत कर लेता है। जब वो मंद होता है, निरोध संस्कार मंद होता है, तो व्युत्थान धर्म संस्कार जो है प्रबल होता है। ये तो दो हैं और दो में से एक प्रबल होगा तो दूसरा मंद होगा, दूसरा मंद होगा तो एक प्रबल होगा। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, तो इस बात को इन्होंने ये बतलाया है कि संस्कार बल से उसकी प्रशांत वाहिता चलती रहती है, माने उसकी एक शांत स्थिति चलती रहती है। वो संस्कार जब मंद होता है तो व्युत्थान संस्कार आ जाता है, व्युत्थान धर्मी संस्कार से, व्युत्थानात्मक संस्कार से वो दब जाता है और निरोध संस्कार की धारा टूट जाती है और निरोध समाधि हमारी भंग हो जाती है।
समाधि परिणाम के बारे में बता रहे हैं। सर्वार्थता एकाग्रता, ये दो चीजें, सर्वार्थता चित्त का सब विषयों में गमन, चित्त का, दो चीजें यहां पर समझनी है, सर्वार्थता और एकाग्रता। और इधर दो चीजें हैं, क्षय और उदय। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का जो उदय है, ये चित्त का समाधि परिणाम है। जैसे पहले वाले में बताया था व्युत्थान संस्कार का अविभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव, ये दो चीज बताई थी पहले वाले सूत्र में, व्युत्थान संस्कार का दबना, निरोध संस्कार का प्रादुर्भूत होना। इसमें दो चीज बता रहे हैं, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त का समाधि परिणाम है। इसी को आगे खोल रहे हैं, सर्वार्थता चित्त धर्म, ये भी चित्त का ही धर्म है, चित्त एक धर्मी है और उसके अंदर ये धर्म निकलता रहता, उद्भूत होता रहता है, सब विषयों में गति करना, ये चित्त का एक धर्म है। कभी चित्त में कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, इतना गति होती रहती है निरंतर। सर्वार्थता चित्त धर्म, एकाग्रता भी चित्त धर्म, जो एकाग्रता है ये भी चित्त का धर्म है। सर्वार्थता या क्षया, एकाग्रता या उदया, तिरोभाव, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का तिरोभाव, एकाग्रता या उदया आविर्भाव। सर्वार्थता का जो क्षय है, क्षय का व्याख्या कर रहे हैं तिरोभाव, सर्वार्थता का जो क्षय है, ये क्षय क्या है, तिरोभाव, इसका गायब होना। सर्वार्थता का क्षय होने का मतलब है सर्वार्थता गायब होना, और एकाग्रता का उदय का मतलब क्या है, प्रादुर्भाव होना, एकाग्रता का प्रादुर्भाव होना, आविर्भाव होना। तयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, इन दोनों में चित्त धर्मी रूप से अनुगत है। तयो उन दोनों में, किन दोनों में, सर्वार्थता और एकाग्रता को संकेत कर रहे हैं तयो शब्द से, उन दोनों में, सर्वार्थता और एकाग्रता में जो चित्त है वो धर्मी रूप से अनुगत रहता है। धर्मी और धर्म को ऐसे समझिए, जैसे मिट्टी धर्मी है और उससे हम सकोरा बना दें, उससे हम पात्र बना दें, कोई घड़ा बना दें, तो ये धर्म है, मिट्टी का धर्म कहलाएगा। मिट्टी धर्मी, सकोरा और तरह तरह के कुल्हड़ बना दें, उसका दीपक बना दें, ये सारे वो धर्म कहलाएंगे। सोना तो धर्मी है और उसका कुंडल बना दें, कड़ा बना दें और तरह तरह के आभूषण बना दें, वो सारे सोने धर्म, धर्मी के अंदर रहने वाले धर्म है। तो चित्त रूपी धर्मी के अंदर क्या क्या धर्म रहते हैं, यहां पर बतलाया सर्वार्थता नाम का एक धर्म रहता है, यहां पर बतलाया एकाग्रता नाम का धर्म रहता है। इससे पहले चित्त में निरोध संस्कार भी चित्त रूपी धर्मी में रहने वाले धर्म ही है, निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है और व्युत्थान संस्कार भी चित्त के धर्म है, ये सारे धर्म है। निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार, संस्कार भी धर्म है चित्त के, और ये एकाग्रता और सर्वार्थता जो है ये भी चित्त के धर्म है, ये सब हमारे चित्त के धर्म है। और इन धर्मों तदिदम चित्तम अपाय उपजनयो स्वात्म भूतयो धर्मयो अनुगतम समाधीयते। ये जो हमारा चित्त है जो कि अपाय और उपजन स्वात्म भूत इसके हो रहे हैं, अपने में ही होने वाले जो धर्म स्वात्म भूतयो, अपने में ही होने वाले जो धर्म है स्वात्म भूत, स्वात्म भूत शब्द का अर्थ है चित्त के अंदर घटित होने वाले, अपने अंदर चलने वाले स्वात्म भूत। अपाय और उपजन नाम के जो ये दो धर्म हैं, क्या अपाय और क्या उपजन हो रहा है, सर्वार्थता जो चंचलता है उसका तो अपाय हो रहा है, अपाय माने क्षय हो रहा है, गायब हो रही है, और एकाग्रता का उदय हो रहा है, उदय का मतलब उपजन हो रहा है, एकाग्रता का उपजन और सर्वार्थता का क्षय, ये जो निरंतर हमारे चित्त में चल रहा है
ये कह रहे हैं ऐसा जो चित्त तदिदम चित्तम स्वात्म भूत अपने अंदर जो परिणाम होने वाले अपाय और उपजन का ये दोनों धर्मों से जो अनुगत है कौन चित्त अनुगत जो चित्त है वो समाधि ये अनुगत कहते हैं युक्त को ये चित्त समाधि समाहित हो जाता है यही चित्त का समाधि परिणाम है सचित्तस्य समाधि परिणाम चित्त में जो सर्वार्थता और एकाग्रता थी उसका क्षय होता रहता है और एकाग्रता का उदय रहता है होता रहता है तो एकाग्रता और जो सर्वार्थता है इसका उपजन और अपाय और उपजन जो निरंतर दो धर्म चलते रहते हैं और चित्त इन दो धर्मों से युक्त है ये जो चित्त का परिणाम चलता है इसको समाधि परिणाम कहते हैं सर्वार्थता क्षीण होती जाती है सब विषयों में जो चित्त की गति है वो क्षीण होती जाती है एक विषय में चित्त की गति उभरती रहती है इसको ही चित्त का समाधि परिणाम कहा है संप्रज्ञात समाधि की स्थिति के बारे में चर्चा है ये निरोध समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा इससे पहले वाले सूत्र में हो चुकी है नौ नंबर सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति का वर्णन हो चुका और 10 नंबर सूत्र में उसी की प्रशांत वाहिता संस्कार बल से चलती रहती है और वो प्रशांत वाहिता वो संस्कार यदि निरोध संस्कार थोड़ा मंद पड़ता है माने व्युत्थान संस्कार प्रबल हो जाता है तो समाधि हमारी समाधि भंग हो जाती है ऐसे यहां पर बताया और 11 नंबर सूत्र में समाधि परिणाम एक संप्रज्ञात समाधि के परिणाम के बारे में चर्चा की कि सर्वार्थता का क्षय एकाग्रता का उदय ये जो दो धर्म चित्त में रहते हैं इन चित्तों इन धर्मों से युक्त जो चित्त है जब समाहित होता है तो उसको चित्त का समाधि परिणाम कहते हैं इन दो धर्मों से युक्त चित्त जब समाहित होता है एकाग्र होता है अर्थात ये ज्यादा बढ़ती जाती है ये कम होती जाती है ये बढ़ती जाती है कम होती जाती है इसी को चित्त का समाधि परिणाम कहा है एकाग्रता बढ़ती जाना और सर्वार्थता का मतलब सब विषयों में गति कभी हमारे को आचार्य कुलम याद आ जाए कभी माता जी याद आ जाए घर में कोई बहन याद आ जाए कभी किसी को भाई याद आ जाए कभी खेत याद आ जाए कभी गन्ने याद आ जाए कभी कोई फ्रूट याद आ जाए ऐसे निरंतर जो ये सर्वार्थता है चित्त की इसको सर्वार्थता कहते हैं इसका नाम चित्त की सर्वार्थता स्थिति है तो इसका समाधि परिणाम में क्या होता है वो बता रहे हैं चित्त के अंदर ये दोनों धर्म रहते हैं सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय ऐसा निरंतर चलता रहता है यही चित्त का समाधि परिणाम है अभी एकाग्रता परिणाम क्या है वो बता रहे हैं तो देखिए यहां पर एकाग्रता परिणाम में ये कहा ततः पुनः तब फिर चित्त में कब जब समाधि परिणाम होता है तब फिर चित्त में शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो समान रूप से जो ज्ञान है उनका शांत और उदित होते रहना यह चित्त का एकाग्रता परिणाम है ये जो प्रत्यय है एक क्षण में जो प्रत्यय है एक क्षण दूसरे क्षण दूसरा क्षण यदि यही प्रत्यय दूसरे क्षण में भी आ रहा है वही प्रत्यय जो प्रत्यय एक क्षण में जो प्रत्यय है वही प्रत्यय दूसरे क्षण में वही फिर तीसरे में वही चौथे में वही पांचवें में तुल्य प्रत्यय हो ऐसे कह दिया समान ज्ञान का होना समान रूप के ज्ञान का समान रूप का जो ज्ञान है वो घटित होना शांत और उदित क्योंकि चित्त में एक क्षण ही कोई वृत्ति होती है चित्त में जो वृत्ति होती है वो एक क्षण के लिए उदय होती है जो क्रिया हो रही है हमारे चित्त में उसके साथ वृत्ति उठती है तो एक क्षण के लिए चित्त वृत्ति हमारी चित्त की वृत्ति जो है एक क्षण के लिए ही उदय होती है और अगले क्षण वो समाप्त हो जाती है फिर उदय होती है फिर समाप्त ऐसा चल रहा है
एक ये जैसे पत्थर में परिणाम चल रहा है, लोहे में परिणाम चल रहा है, हमारे शरीर में परिणाम चल रहा है, ऐसे चित्त में भी परिणाम चल रहा है, और वो एक एक क्षण में ही तो परिणाम होगा। काल का जो अंतिम छोटे से छोटा बिंदु है उतने में वो परिणाम चलता है। तो चित्त में जो परिणाम चल रहा है वो समान धारा में यदि चलता है, तुल्य प्रत्यय। हाँ जी, परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्षण की बात कर रहा हूं। परमाणु के अंदर जो परिवर्तन चल रहा है वो क्षण है, परमाणु में परिवर्तन जो चल रहा है उसमें भी परिवर्तन चल रहा है। कोई भी जो चेतन पदार्थ के अलावा जो भी चीजें हैं उनके अंदर परिणाम चल रहा है, वो तो मैंने बतलाया। चेतन पदार्थ को छोड़कर, चेतन तत्व को छोड़कर जो भी पदार्थ है उसमें परिणाम चल रहा है, हमारे शरीर में भी चल रहा है, मन में भी चल रहा है, बुद्धि में भी चल रहा है, इंद्रियों में भी चल रहा है, बाहर की दुनिया में भी चल रहा है। किसी ने कहा कि ये जो हमारी रुचि भी नहीं होती, नींबू आदि को देखकर मुख में पानी कैसे आ जाता है। जैसे नींबू को यदि हम पास में ला करके रखें, कई देर देखते रहें, तो ये क्या होता है कि पानी क्यों आ जाता है, हमारी तो इच्छा भी नहीं है नींबू खाने की, फिर भी पानी आ जाता है। तो मैंने कहा कि वो जो उसके अंदर परिणाम जो चल रहा है उसके अंदर से किरणें निकल करके आ रही हैं और वो अपना जीव के पास पहुंच जाती हैं। आप कहोगे हम तो मुंह बंद कर रखा है, तो वो तो किरणें तो सूक्ष्म है ना, वो तो वो जो है घुस जाती है अंदर। तो पदार्थ जो चित्त में उसके संस्कार के कारण होता है, जैसे नाम लेने से ऐसे है कि उसके संस्कार तो हैं ही हमारे अंदर, और वो जो संस्कार हैं वो सक्रिय कर देते हैं हमारी जीवा के जो परमाणु हैं उनको, तो इसलिए जो है वहां पर ऐसा होता है। हाँ तथा उन्हें शांतोदितो, पहले जो है ना, पहले वो वहां पर भी पहले वो ही रखा है उन्होंने, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म और बाद में ध्यान हेया तद्वृत्तया और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान पहले रखा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र बाद में रखा है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र बाद की स्थिति है और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान पहली स्थिति है, तो पहली स्थिति तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम रखा है, बाद में वृत्ति सारूप्य मित्रत्र रखा है। तो इसी तरह से ये कर दिया इन्होंने कि निरोध परिणाम को पहले बता दिया, फिर समाधि परिणाम बताया, फिर एकाग्रता परिणाम बता रहे हैं। तो एकाग्रता परिणाम में क्या है, तुल्य प्रत्यय होते हैं, हमारी जो ज्ञान की स्थिति है वो समान रहती है, इसका नाम एकाग्रता है। जो एक क्षण में जो जान रहे हैं हम, अगले क्षण में भी वही जान रहे हो, तीसरे क्षण में भी वही जान रहे हो, तब वो तुल्य प्रत्यय कहलाएंगे। यहां प्रत्यय शब्द डाला है, प्रत्यय का मतलब जानना, चित्त की जो ज्ञानात्मक स्थिति है उसका नाम प्रत्यय है। व्याकरण में प्रत्यय अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं, यहां पर जो हम जान रहे होते हैं उसका नाम प्रत्यय है। प्रत्यय के तीन अर्थ हैं, प्रसिद्ध अर्थ, एक प्रत्यय का मतलब जानना, एक प्रत्यय का मतलब कारण, प्रत्यय का मतलब जानना और प्रत्यय का मतलब कारण, और एक व्याकरण में प्रत्यय आता ही है। प्रत्यय संस्कार नहीं होते हैं, प्रत्यय अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। प्रत्यय का जो सूक्ष्मतम रूप है उसको संस्कार कहते हैं। तो प्रत्यय तो वृत्ति रूप होते हैं, संस्कार वृत्ति रूप नहीं होते हैं, संस्कार तो अदृष्ट चीज है। प्रत्यय के द्वारा जो छाप हमारे चित्त में रह जाती है उसको संस्कार कहते हैं। एक क्षण के लिए, जैसे कल कोई पूछ रहे थे कि एक क्षण के लिए कोई प्रत्यय आता है तो उसमें भी क्या संस्कार बन जाते हैं, तो एक क्षण के लिए आएगा तो एक क्षण का बनेगा, धीमा सा बनेगा, और कई देर रहेगा तो अच्छा सा मजबूत बन जाएगा। कोई संस्कार, कोई प्रत्यय देर तक रहेगा तो उसका संस्कार अच्छा गहरा हो जाता है। किसी रस्सी के ऊपर बार, किसी पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार चलती है, कुएं पर पहले जो है ना, पहले पत्थर लगा रहता था, आजकल उससे नहीं करते,
और देखो ये जो रस्सी होती है कितनी कोमल होती है, कितनी कोमल होती है रस्सी, लेकिन पत्थर को काट देती थी, हमने देखा स्वयं अपनी आंखों से, पत्थर में इतना गहरा घाव, मतलब गड्ढा हो जाता था, तो पत्थर को काट देती रस्सी। तो ये बार 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 इसी को देख करके कवि ने रसरी जावत आवत, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांतः शांतः, समाहित चित्त का जो पूर्व प्रत्यय है ना, पूर्व जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो तो शांत हो गया। उत्तर तत्सदृश है उदित है, और उत्तर जो है वैसा ही उदित हो गया। समाहित चित्तम, जो समाहित चित्त है उभयोर अनुगतम, समाहित चित्त दोनों में अनुगत है, उन दोनों में, पूर्व प्रत्यय में और उत्तर प्रत्यय में, समाहित चित्त दोनों में अनुगत है, दोनों से युक्त है, दोनों में युक्त है, अनुगत है, समाहित चित्त विद्यमान है इन दोनों में, पूर्व प्रत्यय में भी और उत्तर प्रत्यय में भी। पुनस्तथैव असमाधि भ्रेशात, फिर वैसे ही जब तक समाधि टूट नहीं जा रही है, समाहित चित्त तो समाधि टूटने तक उसी तरह से एकाग्र बना रहता है। दोनों में अनुगत रहने वाला जो समाहित चित्त है वो समाधि भ्रेश, भ्रेश का अर्थ है टूटने तक, समाधि के टूटने तक उसी तरह से एकाग्र बना रहता है। स खलु यम धर्मिणस चित्तस्य, ये धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है, चित्त को धर्मी बता रहे हैं और उसके अंदर ये एकाग्रता नाम का परिणाम कहा जाता है। तो कितने चित्त के परिणाम हो गए, चित्त का एक निरोध परिणाम बताया, जो संस्कार का संस्कार के बीच में होता है, जब प्रत्यय नहीं होते चित्त की निरोध अवस्था होती है। 9 नंबर सूत्र में निरोध परिणाम की बात कही, चित्त के अंदर जब कोई प्रत्यय नहीं है फिर भी एक धर्म बचा रहता है जिसको संस्कार कहते हैं, और वो विरुद्ध जो संस्कार हैं उनका, यूं समझ लीजिए विरुद्ध संस्कार कैसे, एक निरोध का संस्कार है और एक एक संस्कार जो है एकाग्रता का है या वित्थान का है, उन दोनों संस्कारों के बीच में, एकाग्रता का संस्कार अलग प्रकार का है, निरोध का संस्कार अलग ढंग का है, तो उन दोनों संस्कारों के बीच में अभिभाव प्रादुर्भाव नाम का धर्म चलता रहता है। ये निरोध परिणाम की गाथा, और फिर समाधि परिणाम बताया, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय। चित्त रूपी धर्मी में ये दो धर्म कंटिन्यू चलते रहते हैं, समाधि परिणाम में सर्वार्थता का क्षय होना, एकाग्रता का उदय होना, और फिर इसी में तथा पुनः समाधि परिणाम में भी तुल्य प्रत्यय समान ज्ञान, पूर्व प्रत्यय का क्षय होना, उत्तर प्रत्यय का उदय होना, ये एकाग्रता परिणाम बताया, और ये धर्मी नामक चित्त के ये धर्म बताए। अब अगला जो सूत्र है इसमें ये बता रहे हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, इस चित्त परिणाम का जो निरूपण हमने किया, एतेन इससे, किससे, चित्त के अंदर जो परिणाम की चर्चा हुई, इस चित्त परिणाम के माध्यम से भूत और इंद्रियों में, हमारे जो भूत हैं 5 महाभूत होते हैं, 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, और इंद्रियां नाम से कितनी चीजें आती हैं, 13, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 13 को इंद्रियां कह देते हैं, कभी कभी 10 को इंद्रियां कहते हैं, कभी कभी 11 को इंद्रियां कहते हैं, 10 इंद्रियां माने 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 10 को इंद्रियां कहते हैं, कभी कभी 11 को कहते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां एक मन, और कभी कभी 13 को ही नाम ले देते हैं इंद्रिय शब्द से। तो जब 13 को कहते हैं तो मन के साथ में अहंकार और बुद्धि को भी जोड़ लेना चाहिए,
तो ये मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है कि मैं इच्छा करता है, संकल्प विकल्प करता है, मैं ये काम करूं ये काम ना करूं। फिर अहंकार क्या करता है कि ये मेरे लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे जो अपने साथ उसको जोड़ करके देखता है। जो भी कुछ हम करते हैं उसको हम अपने मैं के साथ जोड़ करके देखते हैं, ये अहंकार का काम होता है। और फिर हम एक निश्चय करते हैं कि ये ठीक है ये गलत है, इस तरह का निश्चय हमारी बुद्धि में आता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। इस तरह से अहंकार उस अच्छे बुरे को अपने साथ जोड़ करके देखता है कि इससे तेरे को लाभ होगा हानि होगी। जैसा उसका बुद्धि का ज्ञान है उसके अनुसार अहंकार उसको अपने साथ जोड़ करके देखता है। तो ये सारा, ये जो 13 चीजें हैं इनको इंद्रिय कहा। भूत और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम निरंतर चल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। भूत और इंद्रियों में धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम चल रहे हैं, उसको कैसे समझाएंगे? एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामो उक्तो वेदितव्य। उक्तः वेदितव्य का अर्थ है कहा गया, जान लेना चाहिए। धर्म परिणाम कहा गया, जान लेना चाहिए। लक्षण परिणाम कहा गया, जान लेना चाहिए। अवस्था परिणाम कहा गया, जान लेना चाहिए। तत्र व्युत्थान निरोधयो धर्मयो अभिभव प्रादुर्भावो धर्मिणी धर्म परिणाम। धर्म परिणाम क्या है उसको बता रहे हैं कि व्युत्थान और निरोध धर्म वाला, अभिभव और प्रादुर्भाव, इन दोनों का धर्मी में धर्म परिणाम हो रहा है। पीछे जो संस्कारों के बारे में बात कही उसी को पकड़ कर कह रहे हैं कि जैसे व्युत्थान धर्म और निरोध धर्म होता है, उन दोनों का अभिभव और प्रादुर्भाव होता है, धर्मी चित्त में धर्म परिणाम हो रहा है। चित्त तो धर्मी है और उसके अंदर ये धर्म का परिणाम हो रहा है। किस धर्म का? व्युत्थान धर्म और निरोध धर्म का परिणाम चल रहा है, यही धर्म परिणाम है। अब आगे उस धर्म परिणाम का लक्षण परिणाम करके बताते हैं। लक्षण परिणाम निरोध, लक्षण परिणाम निरोध वाला त्रिलक्षणा, त्रिवी अद्वीरयुक्त। जो लक्षण परिणाम है वो निरोध को पकड़ करके समझा रहे हैं कि जो ये निरोध है इसको लक्षण परिणाम में कैसे घटाएंगे। क्या तीन मार्गों से युक्त है, तीन काल से युक्त है। यहां अद्व का अर्थ है या काल, तीन काल से युक्त है। त्रिभी अद्धविर युक्ता, तीन काल से युक्त है। सैखलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, अनागत लक्षण को छोड़ करके, जैसे अभी हमारे चित्त में निरोध नहीं है, अर्थात चित्त में अनागत रूप से विद्यमान है। अनागत का मतलब अभी वर्तमान में नहीं आया है, होने वाला है उसके अंदर, पर अभी उसमें से प्रकट होने वाला है। जैसे बीज को जब हम धरती में डालते हैं तो अंकुर अनागत रूप से उसमें है और वो 3 दिन बाद बाहर आता है, तो वो वर्तमान लक्षण युक्त कहलाएगा। जब तक वो नहीं आया है तब अनागत लक्षण कहलाएगा, और उसको कोई तोड़ दे और तोड़ करके फेंक दे तो उसको अतीत लक्षण कहेंगे। इसी तरह से हर चीज में ये 3 लक्षणों से गुजर रही है। माने चित्त में अनागत लक्षण निरोध रहता है, हम सबके चित्त में अनागत लक्षण निरोध, जो निरोध है वो अनागत लक्षण के रूप में हम सबके चित्त में है, और फिर कोई योगी प्रयास करके उसको वर्तमान लक्षण में ले आता है, और फिर जब समाधि भंग होती है तो उसको ही अतीत लक्षण वाला कह देते हैं। तो इस तरह से ये 3 धर्मों से युक्त लक्षण परिणाम घटित होता रहता है। पहला धर्म परिणाम अर्थात चित्त रूपी धर्मी में व्युत्थान और निरोध धर्म, जो निरोध धर्म और व्युत्थान धर्म जो चल रहा है धर्मी चित्त में, ये उसका चित्त में धर्म परिणाम कहलाएगा। अब वो धर्म परिणाम में लक्षण परिणाम 3 मार्ग से युक्त है, 3 काल से युक्त है। जो लक्षण परिणाम है वो 3 काल से युक्त कैसे है? पहले अनागत लक्षण में था निरोध, फिर वो वर्तमान लक्षण में आया निरोध, आप समाधिस्थ हो गए, चित्त वृत्तियां शांत हो गई, तो
आप वर्तमान लक्षण से युक्त है वो निरोध, फिर आप समाधि से उठ गए काम करने लगे तो वो जो निरोध था वो अतीत लक्षण से युक्त हो गया, इस तरह से समझाना चाह रहे हैं। और उस वर्तमान लक्षण युक्त जो निरोध होता है उसमें फिर अवस्था परिणाम होता रहता है, जैसे धर्म परिणाम के अंतर्गत लक्षण परिणाम, और लक्षण परिणाम में जो वर्तमान अवस्था है उदित धर्म जो होता है उसके अंदर अवस्था परिणाम। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे रुई होती है, और रुई में वस्त्र जो है, धागे जो हैं, वो अनागत रूप से रहते हैं, रुई के अंदर भी निरंतर परिणाम चल रहे हैं, वो तो रुई का हमने धागा बना दिया, रुई की बत्ती बना दी, ये सारे उसके धर्म है। रुई की बत्ती बना दी तो एक प्रकार का धर्म उभर आया, रुई के धागे बना दिए तो एक दूसरे प्रकार का धर्म उभर आया, तो ये तो धर्म परिणाम है रुई के अंदर। अब आप यदि धागे को पकड़ते हैं, एक को पकड़ना पड़ेगा, धागे को यदि पकड़ते हैं तो वो जो धागे हैं वो अनागत रूप से रुई में रहते हैं, ये उसका अनागत लक्षण रूप कहलाएगा, अनागत लक्षण। अब वर्तमान में रुई के धागे बन गए तो ये उसका वर्तमान लक्षण कहलाएगा। अब उन धागों को फिर हमने तोड़ फोड़ करके वैसा ही बना दिया, कचरा बना दिया, तो वो जो है अतीत लक्षण वाला कहलाएगा। अब वर्तमान लक्षण वाले जो धागे थे उनमें एक अवस्था परिणाम चल रहा है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो तीसरा अवस्था परिणाम है उसके अंदर चल रहा है। ऐसे वर्तमान लक्षण युक्त जो भी चीजें हैं उनके अंदर अवस्था परिणाम चल रहा है। जैसे ये पदार्थ दुनिया के जितने भी हैं वर्तमान में जो हमारे सामने हैं उनमें अवस्था परिणाम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना होता है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर अवस्था परिणाम चल रहा है। पुराना नया, पुराना इस तरह से वस्त्र पहले था वैसा बाद में नहीं रहता, तो अवस्था परिणाम के तहत वो पुराना होता है। जब हम इन परिणामों को देखते हैं तो प्रकृति केवल एक गुण को ही दिखाती है, सत्वगुण को, अन्य चल रहे हो तो तुरंत सूख जाते हैं, सत्वगुण उभर आता है फिर तो नहीं। सत्वगुण का मतलब है जो अनुभव में आता है, रजोगुण का मतलब है कि वो परिणाम, और तमोगुण का मतलब यह है कि उसके अंदर जो शक्ति रूप अवस्था है, उसके अंदर जो बीज रूप शक्ति रूप जो अवस्था है वो तमोगुण की है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, आगे इस परिणाम के बारे में कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर संस्कार चैनल व परमार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में दिनांक 15 अप्रैल प्रातः 8 बजे से संस्कार व सत्संग चैनल के साथ करें सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। आप सभी इस शुभ अवसर पर लाभ उठावें, संस्कार चैनल और परमार्थ सेवा समिति के साथ हनुमान चालीसा पढ़कर एक विश्व कीर्तिमान बनावें। अपने संस्था का नाम चैनल पर प्रसारण हेतु आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं, संपर्क करें। चौदह चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में। आजम खान का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। राधे मैं कौन, मेरा कौन, इसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण संसार में जिस जिस पदार्थ की ओर उच्छृंखल मन आसक्त होता है, मनुष्य उसी को मेरा मानकर
संग्रह करने लगता है, किंतु प्रत्येक पदार्थ का सुख कुछ समय पश्चात समाप्त होता जाता है।